रोटी टेंशन लो। तीन मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन के आगे और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों से यूपी, बिहार, हिमाचल के रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि राज्य में फैक्ट्रियां बंद है, काम चल नहीं रहा और घर का राशन जो था वह खत्म हो चुका है। इसी के चलते बीती रात लंबा पिंड के पास यूपी के रहने वाले मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मजदूरों ने यह भी बताया कि पिछले लंबे समय से यहां पर वह अटैची फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि सैलानी माता मंदिर के पास स्थित है। उनके घरों में जितना राशन था वह खत्म हो चुका है और फैक्ट्री मालिक के पास अगर जाते हैं तो वह अपने हाथ खड़े कर देता है। अगर वह उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं तो उल्टा कुछ पुलिस वाले वह लेकर आता है और उनके ऊपर ही धमकी और रौब जमाता है। इससे परेशान होकर घर से बाहर निकलकर उन्होंने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, दो तीन दिन से बाहरी राज्यों के रहने वाले मजदूरों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकार की राहत सामग्री पहुंच ही नहीं रही और लोगों के घर का राशन भी खत्म हो चुका है। ऐसे में राशन उन तक पहुंचाना ही प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले में जब हमारे पत्रकार ने मौके के वार्ड नंबर 6 के काउंसलर निर्मल सिंह निम्मा से बातचीत की तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास फिलहाल तो कोई नहीं आया, अगर आता भी है तो उनके पास पर्याप्त राशन मौजूद नहीं है और ना ही कोई फिलहाल इंतजाम है, क्योंकि पीछे से ही उनको राशन या कोई अन्य मदद नहीं आ रही। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके इलाके के पंजाबियों के लिए ही उनका जो मदद का हाथ है वह पूरा नहीं पड़ रहा, तो इनके लिए वह कहां से करें। फिलहाल मौके पर अगर देखा जाए तो इन मजदूरों की समस्या बहुत ही गंभीर बनती जा रही है। अगर सरकार ने इन मौके पर इनकी मदद नहीं की तो मामला बिगड़ सकता है। जालंधर से कैमरामैन गौरव के साथ सुखविंदर बग्गा की रिपोर्ट। नाम भाई अपना? मोहम्मद शाकिर नाम है मेरा। की गल की है जी? संडे के दिन से बाबू हम लोग को रोटी पानी कुछ नहीं दे रहा, हम लोग का खुद का पैसा निकल रहा है वो भी पैसा नहीं दे रहा है, और पैसा मांगता हूँ तो बोलता कुछ नहीं, तुम लोग कैसे भी रहना रहो, हम लोग रोटी पानी कुछ नहीं देंगे। ये कितने है कि फैक्ट्री है? ये लंबा पिंड चौक सलाना माता मंदिर हरदीप नगर में इटैची फैक्ट्री है, प्रिया ट्रेडर्स कंपनी है और बाबू का नाम नरेश कोरा है। तो बाबू ऐसे क्या फैक्ट्री आज? आज भी आया, दो पुलिस वाले को लेकर आया, हम लोग को उल्टा धमका के गया, बोलता है रोटी पानी कुछ नहीं मिलना, तो पैसा भी नहीं मिलना, तुम लोग को जहाँ भी जाना है जाओ, कुछ नहीं होगा। की नाम है जी अपना? मेरा नाम पंकज कुमार है सर। की गल की हुई है? गल ये हुई सर, हम लोग को जो है ना सोमवार से खाने नहीं मिले हैं, ठीक है, बाबू को फ़ोन किया, बाबू ने बोले कि जो है ना मैंने पैसे देने हैं ना खाने देने हैं। कौन बाबू है, कारी फैक्ट्री है कि ये थे? मेरी बैग बाबू की फैक्ट्री बैग की है, ये सलानी माता मंदिर वाली गली में पड़ती है, प्रिया ट्रेडर्स है नाम। तो तुसी कदों कॉल की थी मालिक दे नाल? मालिक नो मैंने संडे ही किया था, ठीक है, ढाबे वाले से खाना आ रहा था, उसके पास पैसे बैलेंस होने की वजह से जो है ढाबे वाले खाना ही बंद कर दिया। तो कितने बंदे है टोटल जड़े रोटी तो है? टोटल हैं 40 बंदे।